तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बॉलीवुड हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने काफी तारीफ की है एसएस राजामौली की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल उनकी जो फिल्म आई थी आरआरआर, जिसने काफी धमाल मचा दिया था, सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया था और अभी भी फिल्म के गाने और फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई और उसके जो गाने हैं नाटू नाटू उसको भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसको लेकर बॉलीवुड के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने काफी बड़ी बात कही है। उन्होंने काफी तारीफ की है और आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या आगे कहा है एसएस राजामौली को लेकर। उन्होंने कहा है कि आरआरआर न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है। वहां का जो थिएटर है टीसीएस चाइनीज थिएटर, उसमें कुछ सेकेंड में सारे टिकट्स बिक गए थे और इसी के साथ हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने भी एसएस राजामौली से मुलाकात की और काफी हॉलीवुड का ध्यान आकर्षित करने का काम किया है उनकी जो फिल्म है आरआरआर। और इसको लेकर अनुराग कश्यप एसएस राजामौली के मुरीद हो गए एक प्रकार से। आगे एसएस राजामौली की तारीफ करते हुए कहा कि नाटू नाटू गाने के लिए 12 दिनों का सीक्वेंस यूक्रेन में जाकर शूट करना, ये अपने आप में काफी दूरदर्शिता को दर्शाता है, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं हार मान लेता, लेकिन एसएस राजामौली ने एक गाने के लिए इतने दिनों का शेड्यूल वहां पे जाकर शूट किया, जो कि अपने आप में काफी काबिल तारीफ है और इसके लिए काफी दूरदृष्टि और साहस की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में हॉलीवुड के कई बड़े निर्माता जेम्स कैमरॉन, जो कि हॉलीवुड के निर्माता है, वो एसएस राजामौली से मुलाकात किया और उन्होंने आरआर की काफी तारीफ की। उन्होंने आगे कहा कि हॉलीवुड जल्द ही बाहुबली के निर्माता के पास बड़े पैमाने पर कोई फिल्म लेकर पहुंच सकता है। राजामौली डीसी या मार्वल सुपर हीरो जैसी फिल्म का निर्देशन करने के लिए एकदम सही व्यक्ति है। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि हॉलीवुड के बड़े बड़े जो निर्देशक निर्माता है वो राजामौली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ऐसे फिल्मकार हैं जो कि काफी बड़ा बदलाव ला सकता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई बड़ा कोलैबोरेशन नहीं होगा, बल्कि एसएस राजामौली को हमसे चुरा लिया जाएगा। नहीं, उन्होंने और भी ऐड किया। उन्होंने बताया कि जो हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं वो एसएस राजामौली की पुरानी फिल्में देखने लगे हैं और वो हमसे हमारा कोहिनूर चुरा ले जाने की कोशिश में है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी देशों को अब हमारी फिल्मों में कुछ नया नजर आने लगा है। आरआर ने वाकई में फिल्म के पूरे पैराग्राफ को चेंज कर दिया है और हॉलीवुड का इस तरह का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं भारतीय फिल्म को काफी फायदा पहुंचा सकता है। मुझे लगता है ये हमारे लिए काफी बड़ी सफलता है। तो इस तरह से अनुराग कश्यप ने काफी तारीफ की एसएस राजामौली की और वो काफी मुरीद हो चुके हैं एसएस राजामौली की और उन्होंने जो बात कही कि वो हमसे हमारा कोहिनूर चुरा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है एसएस राजामौली के लिए। और बाकी में आरआरआर ने जो इतिहास रचा है वो हम सबसे अछूता नहीं है, हम सब जानते हैं सुपर डुपर हिट फिल्म थी और अब हॉलीवुड वाले भी हमें फॉलो करने लगे हैं। मुझे तो लगता है अनुराग कश्यप ने काफी बेहतरीन गिफ्ट दिया है अपने इस इंटरव्यू से एसएस राजामौली को और ऐसे ही एसएस राजामौली बेहतर से बेहतर फिल्म बनाते रहे। तो इस तरीके से अनुराग कश्यप ने एसएस राजामौली की काफी तारीफ की है और बाकी में तारीफ करने के लायक भी है। और आप क्या सोचते हो, एसएस राजामौली आने वाले समय में क्या हॉलीवुड फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर हॉलीवुड वाले लोग हमारे साथ मिलकर फिल्म बना सकते हैं? प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। करियर रिलेटेड वीडियोज के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।